नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में नौका विहार गोरखपुर पहुंचे। नौका विहार पहुंचे ज्यादातर पर्यटक दिखे। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर तथा अन्य जिलों से भी नए साल का जश्न मनाने के लिए नौका विहार पहुंचे। आपको बता दें कि सैलानियों की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर रखी थीं। इसके अलावा गोरखपुर की स्मार्ट पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैदान में डटी हुई है। नौकायान पर नए साल के पहले दिन सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर नौका विहार और वी पार्क का आनंद लिए। सैलानियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की। नए साल का जश्न मनाने के लिए सुबह से ही नौकायान पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 2023 की शुरुआत के पहले दिन सैलानियों की अधिक संख्या होने के चलते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा और अन्य व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार का सैलानियों को दिक्कत न हो। वहीं सैलानियों ने नौकायान के जेटी पर फुल एंजॉय किया तथा बोटिंग का आनंद लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अलग अलग जिलों से नौकायान घूमने आए नागरिकों ने कहा। पैर से मोबाइल सुरक्षित रखें। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी में चलिए। Thank you.
अमेरिका से आए हुए हैं। अब जी जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूमने पे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हुआ है और हैप्पी न्यू ईयर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कुशीनगर से होकर हम लोग गोरखपुर आए हुए हैं, और कुछ और भी काम था जो हॉस्पिटल में जाना था, तो हम सोचे चलो यहाँ भी इंजॉय कर लेते हैं। तो वैसे बार बार मौका कहाँ मिलता है, तो क्या बदलाव गोरखपुर में? हाँ बहुत बदलाव है, साफ सफाई हर एक चीज में बहुत ज्यादा बदलाव है। मान लीजिए प्रशासन का भी जो व्यवस्था है बढ़िया है, यहाँ पे सब लोग बढ़िया तरह से इंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम सीमा यादव है, मैं देवरिया जिला से आई हूँ और गोरखपुर में घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अभी नौका बिहार में आए हैं और चिड़ियाघर गए थे घूमने के लिए। क्या पहले भी, पहली बार आए हैं कि पहले भी आए? नहीं, एक बार और आ चुके हैं। कैसा था पहले और अब जानकारी? आज तो ज्यादा ही मतलब भीड़ चल रही है। इसके बारे में देवरिया से पाई है, यहाँ देवरिया जिला है मेरा, खुदमंदू से आए। सतीश यादव नाम है, कंसल्टेंसी नगर खलीलाबाद से। पहली बार आया कि? नहीं, और मेरे आते रहता हूँ। आज नया साल है, थोड़ा सा नया सोचे घूमने के लिए, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था ठीक ठाक है, प्रशासन भी यहाँ पे चुस्त मुस्त दुरुस्त है एकदम से, अभी कोई दिक्कत नहीं। घूमने टहलने में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी जनता आई है यहाँ पे। पहले भी आते थे आप? हाँ पहले भी आते थे, आज भी आए। जी सर, नहीं सर, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और सुविधा व्यवस्था सब कुछ देखते हो, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और पटना को घूमने में कोई परेशानी नहीं है। मैं प्रियमता द्विवेदी नाम है, यही गोरखपुर की हूँ मैं। आज नौका बिहार घूमने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है आज, क्या खास है आज? भीड़ तो बहुत है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। भीड़ को तो भाई वो करना है, एंजॉय हो रही है पूरी। आज के दिन आई है और दिन नहीं, काफी टाइम आ चुकी हूँ मैं, बट वोटिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, थोड़ा एक्साइटमेंट है मुझे। ज्योति है मेरा नाम। मैं कई बार आ चुकी हूँ बट अच्छा लग रहा है, बट रश भी बहुत ज्यादा है। बाकी दिनों में आजकल क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर बस न्यू ईयर है, मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं।